वेलकम बैक टू आवर चैनल कुमकुम्स क्रिएटिव कॉर्नर। हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के साथ अपना स्केच किट शेयर करना चाहती हूँ, मेरा न्यू स्केच किट जो अभी आया हुआ है। इसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। ये एक छोटा सा स्केच बुक भी मिला है और टोटल 14 पेंसिल्स हैं, अलग अलग शेड्स के स्केच पेंसिल्स। और ये जो मैं निकाल रही हूँ ये 8 भी है, इसी तरीके से अलग अलग नंबर के अलग अलग शेड्स के पेंसिल हैं। ये वाला ग्रेफाइट पेंसिल है, ये टोटली ग्रेफाइट है। ये जो मैं निकाल रही हूँ अभी, ये चारकोल पेंसिल्स हैं, ये भी अलग अलग शेड्स के हैं। एक सॉफ्ट है, एक हार्ड है, एक मीडियम है। जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट चारकोल, वो डार्क शेड करता है। जो मीडियम है वो मीडियम शेड करता है। और जो हार्ड होता है वो लाइट शेड करता है। इसमें एक शार्पनर की तरह एक वुड कटर भी दिया है, जिसे आप चारकोल पेंसिल को अच्छे से शार्प कर सकते हैं। एक पेंसिल होल्डर है, जब पेंसिल हमारी स्केच पेंसिल छोटी हो जाएगी तो हम इसमें इस तरीके से लगा के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। और ये ब्लेंडर है, ये भी अलग अलग नंबर का है। एक बहुत ज़्यादा थिक है, एक उससे थिन है और एक उससे भी थिन है। तो ये हमें जो हमारा जो स्केच है उसको ब्लेंड करने में हेल्प करता है। वैसे तो मैं ईयरबर्ड से ही ब्लेंडिंग करती थी, लेकिन अब मेरे पास ये है तो इसका भी हेल्प मुझे मिल जाएगा। एक इरेजर भी दिया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक नेडिंग इरेजर है, ये बहुत ही थिन होता है। ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वाला है ग्रेफाइट स्टिक। ये बहुत थिक होता है। ये 3 शेड्स का होता है, एक सॉफ्ट, एक हार्ड, एक मीडियम, जो कि मैंने चारकोल पेंसिल के बारे में बताया था। तो जिस तरीके का वो होता है वैसा ही है, लेकिन ये ग्रेफाइट पेंसिल है, सॉरी ग्रेफाइट स्टिक है। और ये है चारकोल स्टिक, ये चारकोल का स्टिक है। इसमें भी हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट होता है। ये भी सेम वैसे ही, जो सॉफ्ट है वो डार्क होता है, जो मीडियम है वो मीडियम है, और जो हार्ड होता है वो लाइट होता है, हल्का सा लाइट होता है उससे। बड़े बड़े एरियाज़ को शेड और कवर करने में आसानी होती है। और ये है पेंसिल को शार्प करने के लिए, यानी कि नॉट पेंसिल शार्पनर, ये निडल को पॉइंटेड बनाने के लिए हेल्प करता है, जो कि मैं अभी करके दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें 4 लेयर्स है, जैसे पहला ख़राब हो जाएगा उसके बाद उसको निकाल दो तो फिर सेकंड लेयर आ जाएगी, वैसे ही 4 शीट्स है उसमें सैंड पेपर के। शार्पनर भी मिला है, एक प्लास्टिक का शार्पनर है और एक मेटेलिक शार्पनर है, जिसमें कि आप एक छोटा पतला पेंसिल शार्प करने के लिए और एक मोटा पेंसिल शार्प करने के लिए। तो कैसा लगा मेरा स्केच किट? नेक्स्ट टाइम से मैं अपने इसी स्केच किट से स्केच करूँगी और आप लोगों को अपनी स्केचेस दिखाऊँगी। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।